हमारे संवाददाता रजनीश मिश्रा ने बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह से खास बातचीत की है, उनका क्या कुछ कहना है आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ बुनियादी तालीम के मंत्री संदीप सिंह जी हैं। आज कैबिनेट में क्या खास प्रस्ताव रहा है बेसिक शिक्षा को लेकर? बेसिक शिक्षा को लेकर के हमारा जो धनराशि 1100 रुपए की धनराशि जो पिछले वर्ष तक बच्चों के लिए सरकार के द्वारा योजना बनाई गई थी उसमें 100 रुपए की वृद्धि करते हुए इस बार हम सब लोगों ने स्टेशनरी को भी उन सारी चीज़ों के साथ साथ ड्रेस जूते मोजे सारी चीज़ें की व्यवस्था के साथ स्टेशनरी भी इस बार जुड़ी है और बच्चों के खाते में 1200 रुपए की धनराशि जाएगी। हम लोगों ने लक्ष्य लिया है कि 2 करोड़ छात्रों का नामांकन हम सब लोग इस वर्ष अपने परिषदीय विद्यालयों में करेंगे और 1.91 करोड़ का लक्ष्य हम लोग प्राप्त कर चुके हैं और साथ साथ बच्चों का आधार वेरिफिकेशन भी चल रहा है। 1.41 करोड़ प्लस बच्चों का भी आधार वेरिफिकेशन हो चुका है। जैसे जैसे वेरिफिकेशन पूरा होता जाएगा हम सब लोग डीबीटी के माध्यम से धनराशि बच्चों के खाते तक पहुंचाते जाएंगे। लेकिन संदीप जी एक चैलेंज है और चर्चा भी है, विपक्ष के पास एक बड़ा मुद्दा भी है कि ड्रेस और जो बुक है वो समय से भी पहुँच नहीं पाए। तमाम जगह से हमारे रिपोर्टर रियलिटी टेस्ट कर रहे हैं, अभी किताब पहुँच नहीं पाए, तो कहाँ से एजुकेशन वाली बात पूरी होगी? देखिए ड्रेस कि जहाँ तक आपने बात करी है डीबीटी के माध्यम से धनराशि जाएगी और अभिभावक स्वयं इसका क्रय करेंगे और बुक्स की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं तो बुक्स का जो डिलीवरी का प्रोसेस है बहुत तेज़ी से चल रहा है और आने वाले समय में मेरे ख्याल से 2-3 सप्ताह में सारी बुक्स की डिलीवरी पूरी कर दी जाएगी और बहुत तेज़ी से इस प्रोसेस को पूरा किया जा रहा है। हमारे साथ